असल में तुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, पंजाब बोर्ड का रिज़ल्ट आ गया है। पेरेंट्स भी अपसेट हैं, बच्चे भी अपसेट हैं। कुछ बच्चे पास हो गए हैं, कुछ बच्चे फेल हो गए हैं। अब जो बच्चे फेल हो गए हैं वो अब कंटिन्यू स्ट्रेस में हैं, पेरेंट्स भी स्ट्रेस में हैं। क्या होगा, ट्यूटर चेंज होंगे, नई स्ट्रेटजीज अपनाई जाएंगी और नई नई लाइक हर एक सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। तो द थिंग इज दैट कि हमने ये सोचना है कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो डियर फेलोज, आज मैं आपसे एक ऐसी प्रॉब्लम शेयर करने जा रही हूँ जो अगर आप थोड़ा सा भी उसे अच्छे तरीके से सोचेंगे तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या रीज़न है कि हमारे बच्चे क्यों अपना बेस्ट नहीं दे पाते एग्ज़ाम्स में। तो पहली चीज़ जो आपने अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि एग्ज़ाम्स आर नॉट द फाइनल प्रूफ ऑफ इंटेलिजेंस। एग्ज़ाम्स कभी भी इंटेलिजेंस का फाइनल प्रूफ नहीं होते। कभी भी एग्ज़ाम्स की बेस पे आप अपने बच्चों को लाइक और ना लाइक नहीं कह सकते, राइट? अब हमने देखना है रीज़न क्या है। रीज़न छोटी सी बात है जिसको मैं एक एग्ज़ाम्पल के साथ आपको बताऊंगी। ये इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसी है कि जैसे आपके पास एक बहुत हाई टेक कंप्यूटर है, लैपटॉप है, और आप उसमें 1980s या 1990s का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहे हो तो ऑब्वियसली वो उसमें काम नहीं करेगा। बिलीव मी, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है। हमारे जो बच्चे हैं आजकल, उनके जो ब्रेन है दे आर मच इवॉल्व्ड, उनकी इंटेलिजेंस का लेवल बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी हैं उनके ब्रेन, और उन्हें उन ब्रेन को ज़रूरत है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, स्किल्स की, और इसके अलावा प्रैक्टिकल अप्रोचेस की, मॉडर्न टेक्निक्स की। हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। ये सब चीज़ें जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने एजुकेशन सिस्टम में तो हम अपने बच्चों के ज़हनी सलाहियत के मुताबिक उनका बेस्ट शो करवाने में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है? अब इसके एक और एग्जांपल है कि अब जो ह्यूमन ब्रेन है इसमें 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और ह्यूमन ब्रेन कंटिन्यूसली लर्न करता है, एनवायरनमेंट से लर्न करता है, अपने इर्द-गिर्द की सारी चीज़ों से, बुक से, माशरे से, हर चीज़ से लर्न कर रहा होता है। हम सिर्फ एक स्कूल में भेज के समझते हैं कि भाई बच्चा स्कूल से सीख के आएगा, ऐसा नहीं होता। हम सबको पॉजिटिवली देखना है, पॉजिटिवली इसमें शामिल होना है और ऐसे वेज ढूंढने हैं कि हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट बना सकें कि वो अपना बेस्ट शो करें। इसके लिए हमने क्या करना है कि व्हाट टू डू, दिस इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। अब हमने कैसे करना है, सबसे पहले डोंट कंपेयर योर किड्स। अपने बच्चों को कभी भी दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करें। आपके बच्चे की एक अपनी आइडेंटिटी है, कि उसका ब्रेन है, एक फुल फ्लेज सुपर कंप्यूटर है उसके पास, वही ये आपने तरीके ढूंढने हैं कि आपने अपने बच्चे का जो सुपर कंप्यूटर है उसे किस तरह सिखाना है कि वो सुपर कंप्यूटर को किस तरह यूज़ करे। सेकंड थिंग, कभी भी अपने पसंद के सब्जेक्ट्स अपने बच्चों को फोर्सफुली नहीं कहें कि भाई आप ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करें और ये ना करें। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इन चीज़ों से निकलना है। बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारी फील्ड्स हैं आजकल, बहुत सारी फील्ड्स हैं जो बच्चों के ज़हनी एबिलिटीज़ के मुताबिक इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं, क्योंकि आजकल ज़हनी सलाहियतें ज़्यादा हो रही हैं। आप एक इस चीज़ को इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप देखें आज के बच्चे अब YouTube पे कोई चीज़ देख लें या TikTok पे कोई चीज़ देख लें तो अगले ही लम्हे उसकी कॉपी कर रहे होते हैं। दे आर वेरी फास्ट, उनके ब्रेन की जो मशीनरी है वो कितनी फास्ट है, वो एक एक चीज़ कॉपी करके आपको बता रहे होते हैं। ये बच्चे जो आजकल एक सेकंड में कॉपी कर लेते हैं, क्या आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले क्या बच्चों की ये एबिलिटीज थी? नहीं थी, राइट? अब हमने क्या करना है, हमने अपने एजुकेशन सिस्टम में जो भी है, जैसा भी है चल रहा है, उसमें हमने अपने तौर पर बच्चों को साथ साथ स्किल्स सिखानी है, साथ साथ प्रैक्टिकली उन्हें हर चीज़ समझानी है, बतानी है, और उनको साथ हमने ऐसा इन्वायरमेंट देना है कि जो भी वो स्कूल से लर्न करें उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करें ताकि वो साथ साथ हुनर भी सीखते रहें, राइट? खुश रहें, फ्रेंड्स बनाएं और चैनल देखते रहें। मैं ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स भी, मेथडोलॉजीज भी, सब चीज़ें मैं शेयर करती रहूँगी।
कि हम अपने बच्चों की इंटेलिजेंस को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अच्छे तरीके से पॉलिश कर सकते हैं और वो अपने लाइफ में कैसे बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।